मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से तरोताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के स्कूल में आज गृह निरीक्षण, गैर हाजिर और धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षकों की क्लास लगाने के मूड में है। अब उन्होंने गुरुवार को स्कूलों में गहन निरीक्षण के आदेश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित मिले उन्हें निलंबित किया जाए। इसके साथ ही जो शिक्षक अन्य लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। आए दिन विद्यालयों में गैर सूचना दिए गैर हाजिर पाए जा रहे शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से धरना प्रदर्शन किए जाने को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के गुरुवार को सभी जिलों में विद्यालयों में गहन निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्य दिवस पर शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में उन्होंने बुधवार को सभी जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि गुरुवार को अपने अपने जिले के सभी विद्यालयों में 100% शिक्षकों की उपस्थिति का जायजा लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए अपने जिले के सभी उप समाहर्ता, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को गुरुवार को विद्यालय निरीक्षण काम में लगाए उन्हें निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई को लिखें। साथ ही जो शिक्षक अन्य लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं। गैर हाजिर शिक्षक और धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों पर कार्रवाई। बता दें कि 11 जुलाई को शिक्षा विभाग सभी जिलों को आदेश देकर विद्यालयों से गैर हाजिर शिक्षकों और धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे रखा है। पहचान के लिए प्रशासन की ओर से कराई गई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की मदद लेने को कहा गया है।